की मारपीट, बड़ी खबर। मारपीट के मामले में श्री शीटर गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई कार्रवाई। कैसरबाग इलाके में हुई थी मारपीट। लखनऊ में बियर शॉप पर मारपीट का मामला सामने आया है। इस मारपीट में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। कैसरबाग इलाके में मारपीट की घटना घटी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रदेश के 14 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। बारिश के साथ बिजली गिरने का भी खतरा। बहराइच, गोरखपुर सहित कई जिले शामिल। लखनऊ में भी हल्की बारिश की संभावना। प्रदेश के 14 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग द्वारा बारिश होने की संभावना जताई गई है। लखनऊ में भी हल्की बारिश होने की संभावना। लखनऊ समेत 14 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के मंगलौरपुरी में हुई गैस लीक। गैस लीक होने से लगी भीषण आग। 13 लोग आग में झुलसे। घायलों को भेजा गया अस्पताल। दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिल्ली के मंगलौरपुरी में गैस लीक होने की घटना सामने आई है। गैस लीक होने से भीषण आग लग गई। 13 लोग जिसमें झुलस गए हैं। घायलों को अस्पताल में भेजा गया है। वहीं देश में कोविड के 58,419 नए मामले। कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2 करोड़ के पार। अभी 87,619 लोग पॉजिटिव हैं। वहीं 81 दिनों बाद 60,000 से कम मामले आए। तो देश में कोविड के नए मामले। मैं इस खबर पर संवाददाता अभिषेक मनी जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या हाल है, कोरोना अपडेट? कीर्ति, देखिए आपको बताना चाहेंगे कोरोना अपडेट अच्छे हैं और हाल फिलहाल की बात करें तो रिकवरी रेट बढ़ गया है, जो अच्छी खुशी की खबर है। अगर देश की बात करें तो 96.27% हो गया है। वहीं दैनिक पॉजिटिव रेट जो है आपका 3.22 हो गया है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर है। देखिए मामलों को, जैसे अगर कोविड की बात करें तो अभी 58,400 नए मामले आने के बाद 2,98,81,965 मामले हैं। और वहीं अगर आप डिस्चार्ज की बात देखें तो 2,87,66,009 के डिस्चार्ज मामले। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गैप नहीं है। 7 लाख के करीब एक्टिव मामले हैं पूरे देश में। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की खबर है और कहीं ना कहीं एक अच्छी पॉजिटिविटी रेट। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन जिस तरह से अनलॉक हुआ है तो ये रेट दोबारा बढ़ भी सकता है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में भी, सैटरडे संडे का लॉकडाउन रखा गया है, उसके बावजूद भी भीड़ इकट्ठा काफी ज्यादा हो रही है। इस तरह के भी नजारे देखने को मिल रहे हैं। अब बिल्कुल कीर्ति, एक बहुत बड़ी बात है, लोगों में जागरूकता की जरूरत है। कि मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, संक्रमण भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबे समय से सभी लोग परेशान थे। व्यवसायी वर्ग हो, चाहे आम वर्ग हो या शिक्षक वर्ग हो, रोज पटरी दुकानदार हो गए, टैक्सी चालक हो गए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या से वो भी जुड़े, भुखमरी के कगार पे आ गए थे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को एक सेफ्टी के साथ फॉलो करते हुए करना चाहिए, यही आम जनता की जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 81 दिनों बाद 60,000 से कम नए मामले सामने आए हैं। हालांकि कहीं आपकी लापरवाही इन केसेस को बढ़ा ना दे, तो इसलिए अभी भी सतर्कता बरतने की जरूरत है। वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से ही सामने आ रही है। जल्द आ सकता है जेल वार्डर फायरमैन भर्ती के परिणाम। अब अंतिम परिणाम होंगे जारी। 2020 में किए गए थे आवेदन।
पुलिस के 102 रिक्त पदों के लिए हुए थे आवेदन, तो इनका रिजल्ट जारी किया जा सकता है। पुलिस के 102 पदों पर रिक्त स्थानों पर फायरमैन के भर्ती परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं। अंतिम परिणाम होगा जारी, 2020 में किए गए थे आवेदन। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, किसी भी जेल जिले में 500 के पार केस तो फिर लगेगा कोरोना कर्फ्यू। यूपी में लगाई गई 2,50,00,000 वैक्सीन, पिछले 24 घंटे में 593 लोग हुए डिस्चार्ज। 21 जून से ज्यादा वैक्सीन लगाने की तैयारी। तो नया फरमान योगी सरकार के सामने आया है कि अब किसी भी जिले में अगर 500 से अधिक केसेस मिलते हैं तो उसमें वहां पर कोरोना कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कोरोना बढ़े ना, उसको लेकर ये बड़ा फरमान योगी सरकार द्वारा जारी किया गया है। वहीं जौनपुर से अगली बड़ी खबर, जमीनी विवाद में अधेड़ की हत्या, लाठी डंडे से पीट कर हुई हत्या, दो घायलों को भेजा गया अस्पताल। घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा, लोगों ने सड़क को किया जाम। पकड़ी गांव का है ये मामला। तो बड़ी खबर हम आपको जौनपुर से बता रहे हैं, जहां जमीनी विवाद में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद किस कदर लोगों ने रोष व्यक्त किया आप तस्वीरों में देख सकते हैं। भारी भीड़ इकट्ठा हुई। पकड़ी गांव का ये पूरा मामला है, हम बता रहे हैं आपको, जहां जमीनी विवाद में एक अधेड़ की हत्या कर दी गई है, लाठी डंडों से पीट पीट कर हुई हत्या। घटना के बाद लोगों ने किया हंगामा। नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति। खबरों पर नजर डालने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी की बैठक में महबूबा की एंट्री, इस महबूबा मुफ्ती पीएम मोदी के साथ करेंगी बैठक। यूपी में कल से खुलेंगे मॉल, रेस्टोरेंट और पार्क, एक्टिव केस 500 के पार होने पर लगेगा कोरोना कर्फ्यू। तेलंगाना में पूरी तरह से हटेगा कोरोना लॉकडाउन, राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया फैसला। दिल्ली में संक्रमण के मामले में कमी जारी, आज आए कोरोना के 135 नए केस, 7 मरीजों की हुई मौत। राजस्थान में वेदांता ने 100 बेड वाले फील्ड हॉस्पिटल की शुरुआत की, ऑक्सीजन की सुविधा से है लैस। एक नजर खबरों की ओर, राजधानी दिल्ली में 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं को आमंत्रित किया गया है, जिसने में तत्कालीन राज्य के 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। उम्मीद है कि इस बैठक में वहां विधानसभा चुनाव कराने की रूपरेखा तय होगी। आज राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस, एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी माकपा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर नेशनल पैथर्स पार्टी के इन नेताओं को बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने आमंत्रित किया है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, बैठक है आज 8 राजनीतिक दलों के साथ, क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी? देखिए, आपको बता दूं कि आगामी 24 जून को ये बैठक बुलाई गई है और जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर से
चहलकदमी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें माना जा रहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव की जो संभावना है उसको टटोलने और जो परिसमन जैसे मुद्दों पर बैठक के विचार हो सकता है। जम्मू कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर भी विचार संभव है। बैठक में आपको बता दूं गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र के कई नेता भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ केंद्र सचिव को भी इसमें बुलाया गया है। अभी हमने देखा था कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर मनोज सिन्हा जो कि अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की थी, करीब डेढ़ घंटे तक वो मुलाकात चली थी, उसके बाद से कयास लगाए थे कि कोई बड़ी बैठक हो सकती है और अब केंद्र का जो रुख है वो जम्मू कश्मीर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो वही अब देखने को मिला है, 24 जून को ये बैठक बुलाई गई है और प्रधानमंत्री इस बैठक को अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दें कि कई नेता हैं जिन्होंने अलग अलग दिन की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। हम बात करें अगर जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी, उन्होंने कहा कि मैं स्वागत करता हूं, ऐसी बैठक सकारात्मक हो सकती है, ऐसी बैठक से कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आ सकता है। पर वहीं पे कई सीपीएम नेता और पीपल्स अलायंस फॉर गुफार डिक्लेरेशन के प्रवक्ता ने बताया है कि अभी हमें कोई आमंत्रण तक नहीं मिला है। तो जो जम्मू कश्मीर में हमने देखने को मिलता था पहले भी और अभी भी, जिस तरीके से बैठक हो रही है, या पहले भी बैठकों के दौर होते थे उसमें कई नेता होते थे जिसका बहिष्कार करते थे, कई नेता उसका स्वागत करते थे, वही मिली जुली प्रतिक्रिया अभी भी देखने को मिल रही है। आपका बता दूं कि 3 सप्ताह के बाद ये पहली एक बड़ी बैठक होने जा रही है जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के नेता होंगे, केंद्रीय सचिव स्तर के अधिकारी होंगे, खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो क्या कुछ निकल के आएगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस बैठक पे सबकी नजर है और 24 जून को ये बैठक बुलाई गई है। हालांकि ये पहला दौर होगा बातचीत का, इसके बाद और भी कई दौर देखने को मिल सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेके बैठकों के। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाइयों के भी इस मीटिंग में शामिल होने के संदेश जताए जा रहे हैं। तो उच्च स्तरीय बैठक के हालातों को और सही करने के लिए और राजनीतिक मायने भी इसके कई निकाले जा सकते हैं। यूपी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में नाइट कोरोना कर्फ्यू में 21 जून से 2 घंटे की छूट और देने का फैसला लिया है। अब हफ्ते में 5 दिन दुकान, बाजार, मॉल और रेस्टोरेंट खुल सकेंगे। राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू के नए दिशा निर्देश जारी किए। जारी निर्देश के मुताबिक नाइट कोरोना कर्फ्यू सोमवार से रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रभावित रहेगा। अभी तक शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी के मुताबिक जिन जिलों में कुल कोरोना एक्टिव मामले 500 से अधिक हो जाएंगे उन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में छूट फिर से खत्म हो जाएगी। तेलंगाना की सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से लागू लॉकडाउन को पूरी तरह से हटाया जाएगा। बता दें कि राज्य सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इसका फैसला लिया है। इस तरह के तेलंगाना देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से लॉकडाउन को हटाने का ऐलान किया है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने 19 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया था। हालांकि इस दौरान लोगों को कुछ छूट भी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी नेता और पूर्व आईएएस एके शर्मा को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। शर्मा कुछ महीनों पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। पिछले दिनों राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज थी कि वो जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार कर एके शर्मा को डेप्यूटी सीएम बना सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और बल मिला था। इस बात की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने की। एके शर्मा यानी कि अरविंद कुमार शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष बनने के साथ ही अर्चना मिश्रा और अमित वाल्मीकि को प्रदेश मंत्री बनाया गया है। वहीं इस खबर को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राजपूत का भी बयान सामने आया। तो उन्होंने क्या कुछ कहा आइए आपको सुनाते हैं। कार्यालय जैसा शक्तिशाली कार्यालय छोड़कर क्या अरविंद शर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष बनने लखनऊ आए थे? क्या प्रदेश उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री कार्यालय से बड़ा है? यह नियुक्ति
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसको दिखा रहा है। योगी जी और मोदी जी के बीच में जो संघर्ष है उसकी परिणति है ये। कहीं ना कहीं योगी जी मोदी जी और उनकी कैबिनेट से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। आप लोग सत्ता संघर्ष करें लेकिन जनता के हितों के लिए करें, ना कि नियुक्तियों के लिए। 6 महीने चुनाव में है। राजधानी लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में चक गंजरिया स्थित नवनिर्मित पराग की आधुनिक डेयरी प्लांट का निरीक्षण करने दुग्ध विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी पहुंचे। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने बोला कि पराग में कर्मचारियों की छटनी बहुत हुई है, जितने लोगों को काम से हटाया गया है आज की तारीख में उतने कर्मचारी भी पराग में नहीं है। हम अपने सारे प्रयास करके पराग को शिखर पर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं डॉक्टर मोहन स्वरूप महाप्रबंधक दुग्ध संघ लखनऊ द्वारा बताया गया कि ये प्लांट एशिया का सबसे आधुनिक प्लांट होगा। इससे पराग के उत्पादन को नई दिशा मिलेगी ताकि करोड़ों रुपए के नुकसान में चल रही पराग डेयरी फिर से इस नुकसान से उभर सके। हमारे यहाँ 10 ग्रीन फील्ड डेयरी का निर्माण हो रहा है, जिनमें ये लखनऊ का ग्रीन फील्ड डेयरी का जो प्लांट है हमारा, इसकी ट्रायल कई दिन से चल रही है। इसकी क्षमता 3 लाख लीटर पर डे की है। लागत भी इसमें लगभग 115 करोड़ रुपए करीब आई है। इसका निर्माण भारतवर्ष की प्रमुख एजेंसी IBMC का। बुलंदशहर जिले के कुर्जा थाना इलाके की रहने वाली एक दलित युवती ने युवक पर रेप का आरोप लगाया है। युवती का कहना है कि पिछले 2 साल से युवक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था, लेकिन अब शादी करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं पीड़िता ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए SSP से न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद SSP ने मामले की जाँच कर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए कि प्रकरण संज्ञान में आया है, एक युवती जो बालिग है, अनुसूचित जात की है, उसका अपनी ही जात के एक युवक से 2 वर्षों से प्रेम संबंध था। दोनों के बीच में निजी संबंध भी थे और अब लड़का शादी करने से मना कर रहा है। महिला के द्वारा एक एप्लीकेशन थाने पर दी गई है। दोनों के परिवारजनों को थाने पर बुलाया गया है, बातचीत से समाधान का प्रयास किया जा रहा है। यदि समाधान नहीं होता है तो लड़की की तहरीर पर जो भी वैधानिक कार्रवाई है। रायबरेली में पुलिस ने व्यापारी से रंगदारी मांगने वाले युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक खुद को मुख्तार अंसारी के गिरोह का बताकर व्यापारी से 2 लाख की रंगदारी मांग रहा था। आरोपी ने रकम न मिलने पर व्यापारी और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद व्यापारी ने सदर कोतवाली में शिकायत की थी। पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए SOG और सर्विलांस की मदद से आरोपी रत्नेश सोनकर को गल्ला मंडी के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अवैध तमंचा और 2 कारतूस के साथ ही मामले में इस्तेमाल मोबाइल व कार्ड भी बरामद किया है। SP श्लोक कुमार ने बताया कि आरोपी रत्नेश बैरहाना मोहल्ले का रहने वाला है, पहले व्यापारी के यहां काम करता था। आरोपी ने YouTube पर देखकर रंगदारी मांगने का प्लान बनाया था। शिकायत मिलने के बाद SOG की टीम के साथ ही सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये थाना कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी हैं, जिन्हें WhatsApp के माध्यम से एक धमकी मिली थी, जिसमें कि इनको ये कहा गया था कि जो धमकी देने वाले हैं वो लोग मुख्तार अंसारी के आदमी हैं और 2 लाख रुपए उनको दिए जाएं, अन्यथा ये गोली चलवा देंगे और इनके बेटे की हत्या कर देंगे। इस सूचना पर तत्काल थाना कोतवाली और SOG की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 24 घंटे के भीतर उस अभियुक्त को जिसने की यह धमकी दी। सोनभद्र जिले में लगातार हो रही बारिश ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कुछ लोगों का आशियाना तक छिन गया और शौचालय में रहने को मजबूर है। ओबरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मिट्टी का घर बनाकर रह रहे परिवार का मकान ढह गया, जिसके बाद मजबूरी में रहने के लिए सार्वजनिक शौचालय का सहारा लेना पड़ रहा है। महिला अपने 8 बच्चों के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है। वहीं अब जब NGO के लोग परिवार के पास पहुंचे तो महिला फूट फूट कर रोने लगी। महिला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था, लेकिन अभी तक पूरा पैसा नहीं मिलने की वजह से आवास नहीं बन सका। महिला का आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही के चलते उनको पैसा नहीं मिल रहा है।
सोनभद्र जिले के रिहंद नगर में स्थित डीएवी कॉलेज की छात्राओं ने एक बार फिर से मिसाल पेश की है। डीएवी में पढ़ने वाली मान्या गंगवार और कुमारी स्नेहा को सीबीएसई ने उत्कृष्टता प्रमाण पत्र से नवाजा है। सीबीएसई 1% छात्रों को ही उत्कृष्टता प्रमाण पत्र जारी करता है। आपको बता दें कि हाल ही में डीएवी कॉलेज की छात्रा रही प्रियंका शर्मा ने बिहार पीसीएस पूर्व छात्रा डॉक्टर आरती सिंह पुलिस कमिश्नर के पद पर तैनात है, जबकि ईसा गर्ग भारतीय सूचना सेवा में सहायक निदेशक के पद पर कार्यरत है। इन सभी ने डीएवी कॉलेज का मान बढ़ाया है। डीएवी रिहंद के प्रधानाचार्य राजकुमार जी ने बताया कि हमारे संस्थान से काफी बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अच्छे पदों पर बैठकर देश की सेवा कर रहे हैं। गोरखपुर की नवीन गल्ला मंडी महेवा का उत्तर प्रदेश मंडी समिति के डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फल सब्जी मछली और गल्ला मंडी के साथ ही पूरे मंडी का भी निरीक्षण किया। अंजनी कुमार सिंह ने व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। डायरेक्टर अंजनी कुमार सिंह ने कहा, मंडी में जो भी ग्राहक या दूर दराज से व्यापारी आए हैं, उन्हें महसूस हो कि वो किसी साफ सुथरी जगह पर आए हैं, यहाँ गंदगी का नामो निशान ना रहे, मंडी में हमेशा साफ सफाई समय पर होती रहे। अभी निरीक्षण कर ही रहा हूँ और कमियाँ कोई खास नहीं निकली हैं। मेरे निरीक्षण का उद्देश्य ये था कि गोरखपुर मंडी समिति में इनका जो परिसर है, दो तीन बिंदु प्रकाश में आए थे। एक तो यह था कि यहाँ पर स्थान कम पड़ रहा है और कहीं और वैकल्पिक व्यवस्था की। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।